अल्लाक स्टूडेंट्स मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है अगर हम इसको सी एस के हवाले से देखें तो इसमें डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है इसमें एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है और ये हर लिहाज से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें नॉलेज कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने में बहुत मसला आता है इस सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पैराडाइम्स को समझने में बहुत मसला आता है तो इसी सिलसिले में मैंने जिस तरह से करंट अफेयर्स सीरीज़ का आगाज़ किया था और मैं करंट डायनामिक्स पे कुछ टॉपिक्स पे बात करता हूँ इसी तरह से अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक वाइज़ इस पूरे कोर्स को uh, इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर एस्पेक्ट से एक डाइवर्स किस्म से आपसे एक टॉपिक को जो है वो आई आर के डिस्कस कर सकूं और मेरा एम्फिस होगा इसके थ्योरेटिकल पैराडाइम्स पे। बात करते हैं आई आर के सबसे पहले टॉपिक पे कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस डिफाइनिंग इंटरनेशनल रिलेशंस के ये सब्जेक्ट है क्या इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और इसका स्कोप क्या है तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपसे इंटरनेशनल रिलेशन्स की डेफिनेशन पे बात करूंगा और हम इसके स्कोप के ऊपर बात करेंगे कि आईआर का स्कोप पिछले कुछ अरसे में किस तरह से एक्सपैंड हुआ है कैसे एक नारो स्कोप से एक ब्रॉडर स्कोप की तरफ ट्रांजिशन आई है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तो सबसे पहले बात करते हैं वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनस देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस को हम दो तरीके से डिफ़ाइन करते हैं मैं इसको नाम दूंगा एक नैरो व्यू है इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन का और एक बहुत ब्रॉड व्यू है आईआर की डेफिनेशन का और ये दोनों डेफिनेशंस नैरो व्यू और ब्रॉड व्यू मुख्तलफ़ इंटरनेशनल थ्योरिस्ट की डिबेट्स के अंदर से निकाले गए हैं कुछ इंटरनेशनल थ्योरिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से आईआर को देखते हैं और उनका पर्सपेक्टिव बहुत नैरो है और कुछ इंटरनेशनल थीरिस्ट इसको बिल्कुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि ये तो एक बहुत डायनामिक और बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है तो बात करते हैं नैरो व्यू की जो लोग नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशन को डिफाइन करते हैं उनका मानना यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिशियल रिलेशन हैं बिटवीन द स्टेट्स पहली बात कि इंटरनेशनल रिलेशन रियासतों के दरमियान ऑफिशियल रिलेशंस का नाम है और इन ऑफिशियल रिलेशन में पॉलिटिकल रिलेशंस डोमिनेट करते हैं तो नैरो व्यू जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो कहता है कि स्टेट्स के दरमियान ऑफिशियल पॉलिटिकल रिलेशंस जो पाए जाते हैं उन्हें हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं प्रोफेसर डून प्रोफेसर मॉर्गेन था जो बहुत बड़े रियलिस्ट थिंकर हैं इनका ये मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल रिलेशंस एंड ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स तो ये एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है इंटरनेशनल रिलेशन का लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोफेसर डोन एंड मॉर्गन थाओ को प्रोफेसर हॉफमैन और पालमर एंड कपर्कन्स ने इन इंटरनेशनल थ्योरिस्ट ने इनको काउंटर किया और अपना नैरेटिव दिया कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है या वो सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है बिटवीन द स्टेट्स पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक, कल्चरल सोशल रिलेशंस के भी जो है वो काउंट होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट लिमिटेड टू द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स स्टेट्स के साथ साथ जो दुनिया के अंदर नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं एम हैं मल्टानेशनल कंपनीज एन हैं बिलिजेंट ग्रुप्स हैं ये तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है ये भी उतने ही बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जितनी कि स्टेट्स का एक रोल है इस इंटरनेशनल रिलेशन में तो इंटरनेशनल रिलेशन आर नॉट लिमिटेड टू पोलिटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन स्टेट्स के साथ साथ जितने नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान भी रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन के डोमेन में आते हैं और उन तमाम नॉन स्टेट और स्टेट एलिमेंट्स के दरमियान पोलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल सोशल रिलेशंस ये तमाम के तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन में आते हैं तो जब भी नॉन स्टेट एलिमेंट्स और स्टेट एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे आपस में ताल्लुक बनाएंगे और उनके ताल्लुक की नौीयत पोलिटिकल इकनॉमिक सोशो कल्चरल होगी और इससे हट कर मुख्तलिफ में होगी तो इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहेंगे ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम डिफाइन करते हैं आई आर को तो हमने डिफाइन किया कि आईआर आर दरअसल है क्या इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या यही डेफिनेशनस आईआर आर के स्कोप को डिफाइन करती हैं अब हम बात करते हैं कि आईआर आर का स्कोप क्या है अगर हम आईआर आर के स्कोप की बात करें तो हमें पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का और कॉन्टेप्रेरी डायनामिक्स का जायजा लेना होगा तो हमें समझ आएगी कि आय आर पिछली सदी और उससे पिछले अरसे में एक बहुत ही नैरो सब्जेक्ट था डिसिप्लिन था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए कुछ इंटरनेशनल चेंजेस आई ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप जो कि नैरो था एक अरसे में वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता गया और आज इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कंपेयर टू द लास्ट सेंचुरी और सेंचुरी। तो जब भी हम आई के स्कोप की बात करते हैं तो आई के स्कोप को हम चार फेजेज में डिवाइड करते हैं पहला फेज प्री वर्ल्ड वॉर वन फेज है कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले की जो दुनिया बसती थी उसमें इंटरनेशनल रिलेशन वो किस तरह मैनेज होते थे कॉमें आपस में कैसे रिले, आपस में रिलेशन बनाया करती थी उसके बाद एक फेज आता है इंटर वॉर पीरियड वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड उसके बाद थर्ड फेज आता है कोल्ड वॉर पीरियड और चौथा फेज़ आता है पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड जी हाँ जिस दौर में हम आज रह रहे हैं तो इन चार फेजेज़ में हम देखेंगे कि आयर का स्कोप किस तरह से एक नैरो पर्सपेक्टिव से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह की तरफ इसकी ट्रांज़िशन हमें देखने को मिलती है तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं पहला फेज़ प्री वर्ल्ड वॉर वन फेज़ है जिसमें हमें एक दौर नज़र आता है दुनिया का अगर हम निज़ाम देखें तो दुनिया में आज जो निज़ाम एग्जिस्ट करता है इसे नेशन स्टेट सिस्टम कहा जाता है इस पर भी मैं आने वाले लेक्चर्स में बात करूँगा इस सिस्टम से पहले दुनिया में एमपीरियल स्टेट सिस्टम था बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो आपस में ताल्लक बनाया करते थे आपस में उनकी जंगें होती थी आपस में उनको सोशो इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट कौन, कौन, थे रिलेशंस थे पॉलिटिकल रिलेशंस थे तो उसके बाद दुनिया में 1648 में ट्रिटी ऑफ वेस्टफालिया हुई और दुनिया में एक नया निज़ाम आया नेशन स्टेट सिस्टम वो जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं वो ख़त्म हो गई और अब वो बड़ी बड़ी सल्तनतें छोटे छोटे मुल्कों के अंदर कन्वर्ट हो गई और एक नया दुनिया में सिस्टम आया जिसे नेशन स्टेट सिस्टम कहा जाने लगा और इस नेशन स्टेट सिस्टम में ये तमाम मुल्क ये आपस में इन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू किया और ये जो नेशंस आपस में इंटरेक्ट कर रही थी ये ग्लोबलाइजेशन थी दरअसल और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप एक्सपेंड कर रही थी तो वर्ल्ड वॉर वन में ट्रांजिशन आई फ्रॉम इंपीरियल स्टेट सिस्टम टू नेशन स्टेट सिस्टम बड़ी बड़ी सल्तनतें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई और वो टुकड़े इंडिपेंडेंट हो गए वो टुकड़े सॉवरन हो गए जिन्हें आप आज नेशन स्टेट्स के नाम से पहचानते हैं तो आई का जो स्कोप था वो चेंज हुआ फ्रॉम इंपीरियल स्टेट सिस्टम टू नेशन स्टेट सिस्टम और उसके बाद ये जो नेशन स्टेट नेशन स्टेट सिस्टम था इसको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला जब 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर लड़ी गई और इस वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ पर लाखों लोग मारे गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेस्टेट हुआ इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे और उन्होंने सोचा कि हमें दुनिया में इस बड़ी जंग अजीम को दोबारा ना होने से बचाना है और उसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखनी होगी हमें आपस में कोऑपरेशन करनी होगी हमें आपस में एक दूसरे का साथ देना होगा इसी मकसद से वर्ल्ड वॉर वन के बाद कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी लीग्स ऑफ नेशन थी तो इन ऑर्गेनाइजेशन के आने से आईआर का स्कोप एक्सपैंड हुआ जहां पर पहले रियासतें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती थी अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने उन रिलेशन को मैनेज करना शुरू कर दिया ये दूसरा फेज था जिसे इंटर वॉर पीरियड कहते हैं और इस इंटर वॉर पीरियड के अंदर हमने इन ऑर्गेनाइजेशन की इमर्जेंस भी देखी इनका मुल्कों के रिलेशन को मैनेज करते हुए भी देखा और इनका फेलियर भी देखा जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई और दुनिया में मुख्तलि आइडियोलॉजीज एमर्ज हुई फाशिज्म नाजिज्म जिन्होंने इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और एक लिबरलिज्म को एक आइडियल वर्ल्ड को तबाह बर्बाद करके रख दिया और उसके बाद दुनिया ने दूसरी जंग अजीम देखी तो इस इंटर वॉर पीरियड के अंदर स्टेट्स जहाँ पर इंटरेक्ट रही थी स्टेट्स के साथ कुछ नॉन स्टेट एलिमेंट्स की इमरजेंस हुई जिन्होंने आई के स्कोप को एक्सपेंड किया और उसके बाद एक थर्ड फेज आया जब जिसे हम कोल्ड वॉर फेज़ कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दुनिया फिर एक दफा सर जोड़कर बैठी और इन्होंने सोचा कि हमें अब इंटरनेशनल पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी के लिए कुछ अदारे खड़े करने हैं और उसी के मुताबिक कुछ अदारे खड़े किए गए यूनाइटेड नेशन आई एम एफ वर्ल्ड बैंक जिसे आज दुनिया ब्रेटन मोड सिस्टम के नाम से जानती है इन अदारों की इमरजेंस हुई जहां पर पहले रियासतें एक दूसरे से लुकात बना रही थी अब यूएन आई एम एफ वर्ल्ड बैंक और इन अदारों ने भी उन रियासतों के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिए इनके साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज के एफ सी मैकडोनल्ड्स इनकी इमरजेंस दुनिया के सामने आई एन जी ओज यूएसएड इनकी इमरजेंस दुनिया के सामने आई नॉन स्टेट एलिमेंट्स तालिबान अलकायदा इनकी इमरजेंस सामने आई तो जैसे जैसे ये नॉन स्टेट एलिमेंट्स दुनिया के अंदर आते गए इन्होंने आपस में भी रिलेशन बनाना शुरू किए इन्होंने रियासतों के साथ भी रिलेशन बनाना शुरू किए तो यहां से आय आर का स्कोप एक्सपैंड हुआ नेशन स्टेट्स के दरमियान रिलेशन से नेशन स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एलिमेंट्स के रिलेशन के आ, के अंदर भी आय आर हमें देखने को मिला कि इंटरनेशनल रिलेशन में अब इसका आहिस्ता आहिस्ता डोमेन बढ़ती जा रही और उसके बाद आखिरी फेज आया जिस दौर में आज हम रहते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर इरा जहां पर कोल्ड वॉर में रूस को शिकस्त हुई और दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम आया जहाँ एक ताकत यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आया और अमेरिका ने दुनिया को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया वही अदारे जिनको बनाया गया था पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक अमेरिका ने उन आया उस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मुल्कों को लोन्स देना शुरू कर दिए और उनकी इकोनॉमीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया जिसे हम आज न्यू इंपीरियलिज्म के नाम से जानते हैं और इस एग्जैक्टली exactly इस सिस्टम को वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से जानते हैं तो आज जो दुनिया है एग्जिस्ट कर रही है इसमें यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था जहां पर अमेरिका अपना इंपीरियलिज्म फैला रहा था अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में फैला रहा था तो इसके खिलाफ कुछ ताकतें खड़ी हुई चाइना रिसर्जेंस ऑफ रशिया और फिर हमें आज के दौर में देखने को मिला एक न्यू कोल्ड वॉर न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी हाइब्रिड वॉर रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इंसर्जेंसी प्रॉक्सी वॉर्स साइबर अटैक्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूज ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इन वॉर्स बायोलॉजिकल वॉर्स द इश्यू ऑफ जेंडर द इश्यू ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज इन सब इश्यूज ने इस पूरे चेंजिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट ने इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को बढ़ाया इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन बढ़ती गई और इस डोमेन के बढ़ने के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन वो भी एक्सपैंड होना शुरू हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आई आर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इसकी इमरजेंस कैसे हुई ये एक्सपैंड कैसे हुआ तो जब हम डिसिप्लिन की बात करेंगे तो हमें उस डिसिप्लिन की इमरजेंस और उसकी एवोल्यूशन को देखना पड़ेगा इसी इसी स्कोप के साथ कैसे कैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हुआ कैसे कैसे इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हुए इंटरनेशनल इवेंट्स हुए आईआर का स्कोप बढ़ता गया और स्कोप बढ़ने के साथ साथ आई का एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन भी डोमेन बढ़ती गई इसको मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इनशाला आपसे डिस्कस करूंगा बहुत शुक्रिया